वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सुपरहिट मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अब्राहम ओजलर। काफी दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो फाइनली दिस मूवी इज हियर। अब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई, इसीलिए मैं इस मूवी को थिएटर पिन के साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब, मुझे तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी। काफी सारे ट्विस्ट सामने आते हैं, स्पेशली जिन लोगों को सस्पेंस थ्रिलर मूवी से प्यार है वो लोग इस मूवी को जरूर देखना। और क्लाइमैक्स में डायरेक्टर भाई साहब ऑडियंस के मन में एक सवाल पैदा करके जाते हैं, दैट इज आल्सो माइंड ब्लोइंग। तो चलिए बिना समरी को डिस्कस किए मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अब्राहम ओजलर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपनी बीवी और बेटी के साथ वेकेशन पर होता है किसी गांव में। इन दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगता है। उसी वक्त ओजलर का एक टीम मेंबर ओजलर को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर, किसी होटल में दो फॉरेनर्स की हत्या हुई। हाँ, हम लोगों को पता है सर, आप वेकेशन पर है, लेकिन आपका यहाँ पर आना बेहद जरूरी है। आप ड्यूटी आई है तो निभाना तो पड़ेगा। इसलिए ओजलर फटाफट से अपनी गाड़ी से उस होटल पर जाने लगता है। रास्ते के दरमियान ओजलर अपने टीम मेंबर को कॉल करके यही बात पूछने लगता है, अरे क्या यार, तुम भी ढंग से मुझे वेकेशन भी मनाने नहीं दोगे? टीम मेंबर कहने लगता है, अरे सर, आप किसकी बात कर रहे हो? किसने आपको कॉल किया? हमने तो आपको कॉल नहीं किया। यह सुनने के बाद ओजलर के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से इसको अपनी बीवी बेटी की याद आती है। गाड़ी घुमाकर दोबारा उस घर के पास जाता है। घर के अंदर आने पर ओजलर ये देखता है घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं, और उसी तरह इस घर में न इसकी बीवी होती है न इसकी बच्ची। किसी ने ओजलर को ट्रैप करके इसकी बीवी बेटी को किडनैप करके ले गए। उसके बाद सीन 3 साल के बाद शिफ्ट होता है। अभी तक ओजलर की बीवी और बेटी का कुछ भी पता नहीं होता। उन दोनों को ही याद करते हुए बेचारा बहुत डिप्रेशन में होने लगता है, बहुत दुखी होने लगता है। ढंग से सोता नहीं, जिसकी वजह से इसको हैलुसिनेशन स्टार्ट होते हैं। और उसी तरह ओजलर हर रात अपने लैपटॉप ओपन करके विनीत नाम के एक बंदे का बयान को सुनते रहता है। शॉकिंग बात यह है कि विनीत ने ही ओजलर की बीवी और बेटी को मार दिया, क्योंकि ओजलर ने विनीत को किसी ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। तो ओजलर के ऊपर बदला लेने के लिए विनीत ने ओजलर की बीवी और बेटी को मार दिया। किसी जंगल में मार कर विनीत उन दोनों को उसी जंगल में दफना देता है। इसके रिलेटेड पुलिस वालों को सबूत भी मिलता है, मतलब चाकू पर ओजलर के बीवी और बेटी के ब्लड सैंपल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि जब विनीत ने उन दोनों को मारा था, उस वक्त कुछ ज्यादा ही ड्रग्स ले रखी थी, जिसकी वजह से विनीत भूल जाता है कि इसने उन दोनों को कहाँ पर दफनाया। खैर, दूसरे दिन सुबह ओजलर अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर इसको एक ही सलाह देता है कि आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए, जिसकी वजह से आपको थकावट होकर अच्छे से नींद आएगी। लेकिन ओजलर डॉक्टर की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। ओजलर हर महीना विनीत के लिए बिरयानी लेकर जाता है जेल में। हर बार एक ही सवाल पूछने लगता है कि बताओ, तुमने मेरी बीवी और बेटी को कहाँ पर दफनाया? लेकिन विनीत हर बार एक ही जवाब देता है, मुझे याद नहीं। खैर, दूसरे सीन में नवीन नाम के एक आईटी एम्प्लॉय को दिखाया जाता है। नवीन अपनी जॉब खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड माया से फोन में बात करते हुए अपने घर जाते रहता है। तभी इसी दरमियान में एक बोलेरो गाड़ी आकर नवीन की बाइक का एक्सीडेंट कर देती है। थोड़ी देर के बाद आसपास के लोग नवीन को जख्मी हालत में देखकर एम्बुलेंस को कॉल करने पर इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। बेचारे नवीन की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है, लेकिन डॉक्टर्स किसी भी तरह से नवीन को बचा लेते हैं। माया भी वहां पर होती है, लेकिन सर्जरी करने के बाद नवीन ये ऑब्जर्व करता है कि इसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे। बेचारा बहुत दुखी होने लगता है। तो डॉक्टर माया और नवीन से कहने लगता है कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस टेम्पररी है, कुछ दिनों बाद तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी आज नवीन का बर्थडे है ना, चलो आज हम नवीन का बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से डॉक्टर नवीन को थोड़ा हौसला देने लगता है। उसके बाद नवीन की गर्लफ्रेंड माया किसी बेकरी पर आकर नवीन के लिए केक ऑर्डर करके जब वो वापस हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। किसी ने नवीन को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। खैर, उसके बाद नवीन का केस हमारा हीरो ओजलर टेकअप करता है। हॉस्पिटल आकर नवीन को अच्छे से ऑब्जर्व करने पर ओजलर को ये बात पता चलती है कि किलर ने नवीन का ब्लड लॉस करके इसको मार दिया। और इसी तरह किलर ने वहाँ पर एक नोट भी छोड़कर जाता है, और इसमें ये लिखा होता है कि ब्लड कॉन्वर्सेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद नवीन की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर ये बात पता चलती है कि नवीन ने आखिरी बार माया को कॉल किया उसके 8 मिनट के बाद एम्बुलेंस नवीन के पास आई। तो इस 8 मिनट में क्या हुआ होगा? तो ये बात ओजलर के दिमाग में बहुत खनकने लगती है। बाद में ओजलर नवीन के फादर शिवराज से नवीन के बारे में पूछने लगता है, क्या नवीन के कोई दुश्मन थे? शिवराज कहने लगता है
कि वो तो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है, उसके कौन दुश्मन हो सकते हैं। माया से पूछने पर भी वो भी यही बात कहने लगती है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, लेकिन उस फुटेज में कुछ ज्यादा क्लूज नहीं मिलते। दूसरे दिन पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ओजला को बुलाकर कहने लगता है कि किलर को अच्छी तरह से आइडिया था कि कहां पर किस रग को काटने पर ब्लड लॉस होता है। बहुत ही टेक्निक के साथ नवीन को मारा गया है। उसके बाद ओजला दोबारा केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पता चलता है कि नवीन का जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उसकी कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप होता है, तो उस पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज हासिल करके थरोली चेक करने लगता है। जब नवीन का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त तकरीबन 12 या 11 गाड़ियां उस रास्ते से गुजरे थे। खैर, दूसरे सीन में एक रात जब एक बंदा अपने बाइक से कहीं पर जा रहा होता है तो तभी एक गैंग आकर इस बंदे को मारने की कोशिश करने लगती है। चाकू से बहुत जख्मी कर देते हैं उसको। उसी वक्त वो बुलेरो गाड़ी उस रास्ते से गुजरने पर ये सारे लोग वहां से भाग निकलते हैं। एक्चुअली इसी गाड़ी से नवीन का एक्सीडेंट हुआ था। उस गाड़ी में एक मास्क वाला बंदा होता है। इस जख्मी हुए बंदे को देखकर ये मास्क वाला बंदा इस बंदे को हॉस्पिटल के पास ड्रॉप करके वहां से चला जाता है, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उस बंदे को बचा लेते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उसी आधी रात को वो किलर डॉक्टर का गेटअप पहनकर इस हॉस्पिटल में आकर उस बंदे को पैर का रग काट के मार देता है। मतलब जिस बंदे ने बचाया उसी बंदे ने इस बंदे को मार देता है। सुबह होने के बाद होसलर उसकी टीम क्राइम स्पॉट पर आते हैं। सेम पता चलता है कि इस बंदे का भी ब्लड लॉस होकर इसकी डेथ हो गई। ओजलर समझ जाता है कि उन दोनों को एक ही बंदे ने मारा। और उसी तरह वहाँ पर एक लेटर भी होता है, नोट, और इस नोट में मलयालम में कुछ वर्ड्स होते हैं। उसी तरह नीचे हैप्पी बर्थडे भी बोल के होता है। ओजलर को शक होने लगता है कि नवीन के केस में हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर था, लेकिन इस बंदे के केस में सिर्फ हैप्पी बर्थडे होता है। बाद में ओजलर सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है। ओजलर को ये बात पता चलती है कि जिस बंदे ने उस बंदे को हॉस्पिटल पर लाया और उसी तरह जिस बंदे ने इस बंदे को मारा, दोनों का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है। और एक और बात भी नोटिस करता है कि हॉस्पिटल के पास बुलेरो गाड़ी आई थी। उसके बाद ओजलर उस मरे हुए बंदे के फादर के पास जाता है, जिसका नाम होता है राघवन, जो एक पेकड़ बंदा होता है। इससे कुछ भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती। अब शहर में दो किलिंग्स हुए है, ये सारी बात मीडिया वालों के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से मीडिया वाले उस किलर का नाम रखते हैं बर्थडे किलर। खैर, उसके कुछ दिनों बाद वो किलर अशोक नाम के एक बंदे के रेस्टोरेंट पर आकर इसको एक लड्डू देता है। अशोक उस लड्डू को खाने के बाद थोड़ी ही देर में ये बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहाँ के स्टाफ फटाफट से अशोक को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल लाने के बाद अशोक का MRI स्कैन करने लगते है। इसी दरमियान में उस हॉस्पिटल की बिजली कट हो जाती है, तो MRI स्कैन करने वाला बंदा नीचे जाने लगता है पावर को देखने के लिए। उसी वक्त वो किलर डॉक्टर का गेटअप पहनकर इस MRI स्कैनिंग रूम में आकर अशोक का भी रग काट के इसको मार देता है। उसके बाद क्या था, ओजलर उसकी टीम यहाँ पर पहुँच जाती है। माहौल देखकर समझ जाता है सेम किलर। वहीं पर सेम उसी तरह का एक लेटर नोट भी होता है, और एक्चुअली आज अशोक का बर्थडे भी था, उसी दिन इसकी डेथ हो गई। खैर, उसके बाद ओजलर रेस्टोरेंट पर जाकर वहाँ के लोगों से इंक्वायरी करने लगता है। पता चलता है कि जिस दिन अशोक मरा था उस दिन अशोक से 6 लोग मिले थे। सारे लोगों को बुलाकर इंक्वायरी करता है, लेकिन इंक्वायरी में एक बंदा नहीं आता। उस बंदे के बारे में इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि वो बंदा इस रेस्टोरेंट को कोई चीज सप्लाई करते रहता है। बाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर उस बंदे का अकाउंट नंबर, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह हासिल कर लेता है, तो उस अकाउंट होल्डर का नाम होता है मंगम्मा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस औरत को मरे हुए 3 साल हो चुके होते हैं। मतलब उस औरत के नाम पर ही किलर इतनी दिनों से अशोक के होटल को घी सप्लाई कर रहा था। अब यहाँ तक आने के बाद ओजलर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि केस में आगे कैसे बढ़े। किलर ने तो यहाँ पर डेड एंड लगा दिया। तभी ओजलर को किलर के उन नोट्स के बारे में याद आता है। हर एक नोट में कुछ न कुछ स्पेशल वर्ड लिखा होता है। ट्रांसलेट करने पर यह बात पता चलती है कि ये पुराने जमाने में किसी फिजिशियन ने एज ए कोड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इन कोर्स के बारे में पता करने के लिए ओजलर किसी डॉक्टर को कॉल करके पूछता है। डॉक्टर कहने लगता है कि ऐसे कोर्स कोलिकोड मेडिकल कॉलेज के डिसीजन हॉल में मौजूद है। तो ओजलर फटाफट से अपनी टीम के साथ उस कोलिकोड मेडिकल कॉलेज पर जाता है। सो डिसीजन हॉल में एक बोर्ड के ऊपर ऐसे कोर्स लिखे होते हैं। तो एक्चुअली ऐसे ही कोर्स किलर ने इस्तेमाल किया था जब उन तीनों को मारा था, नवीन, अशोक और दूसरा बंदा। उसके बाद ओजलर दो सीनियर प्रोफेसर को बुलाकर यही पूछने लगता है, क्या इस मेडिकल कॉलेज में ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी? तो एक प्रोफेसर कहने लगता है कि सर, मैं यहाँ पर 25 साल से काम कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता है
इस कॉलेज में ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद ओजलर अशोक के फादर शिवा कुमार के पास जाकर अशोक के बारे में पूछने लगता है कि अशोक के कोई दुश्मन थे। शिवा कुमार यही कहने लगता है कि हमारा तो बिजनेस है, पता नहीं कौन हमारा दुश्मन होगा, मुझे तो आइडिया नहीं है। खैर इसी इन्वेस्टिगेशन में ओजलर को ये बात पता चलती है कि जब नवीन का एक्सीडेंट हुआ था उसी रास्ते से एक लॉरी गुजरी थी, तो बहुत ही मुश्किल से पुलिस वाले उस लॉरी ड्राइवर को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। पुलिस स्टेशन लाकर यही बात पूछने लगते हैं कि तुम तो उस रास्ते से गुजरे थे, तो तुमने नवीन की मदद क्यों नहीं की। ड्राइवर कहने लगता है, अरे सर मैं मदद करने के लिए वहाँ पर मेरी ट्रक को रोका था, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा था और बहुत ही अजीब आवाज से मुझे कहा कि तुम यहाँ से जाओ। किसी डिवाइस की मदद से बात कर रहा था वो। यह सुनने के बाद ओजलर शॉक में रह जाता है। एक पुलिस वाला अपने फोन में उस डिवाइस की फोटो दिखाकर ड्राइवर से पूछने लगता है, क्या तुमने ऐसी एक डिवाइस को देखा था। ड्राइवर कहने लगता है, हाँ सर ऐसी ही। एक्चुअली एक आर्टिफिशियल लायरेंस होता है, जो कोई भी बंदा अपनी आवाज खो चुका होता है किसी न किसी वजह से, जैसे थ्रोट कैंसर या थायराइड, ऐसे लोग इस डिवाइस की मदद से बात करते हैं। उसके बाद ओजलर हर एक हॉस्पिटल से एक लिस्ट मंगवाता है कि शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट लाने के बाद इनमें से बच्चों और औरतों को साइड में निकाल देता है और बचे जो लिस्ट में मेंबर्स होता है उनको थरोली एग्जामिन करने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है। तो ओजलर को कृष्णा दास नाम के एक बंदे पर शक होता है, क्योंकि कृष्णा दास का घर उसी मेडिकल कॉलेज के करीब होता है। तो ओजलर उसकी टीम कृष्णा दास के घर पर जाते हैं। घर पर तो कृष्णा दास तो मौजूद नहीं होता, उसकी माँ होती है। उसकी माँ कहने लगती है कि कृष्णा दास बचपन से ही बहुत ही अच्छा गाने गाया करता था, लेकिन 1989 में कृष्णदास को थ्रोट इन्फेक्शन आया था जिसके वजह से कृष्णदास ने अपनी आवाज खो दी और इसी तरह उसकी सर्जरी कोलिकोड मेडिकल कॉलेज में ही हुई थी। सर्जरी होने के बाद ही कृष्णदास की आवाज चली गई। अब सर्जरी तो 30 साल पहले हुई थी, इसलिए इसके बारे में वहाँ के प्रोफेसर को कुछ ज्यादा बात पता नहीं होती। सर्जरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि नवीन का फादर शिवराज उसी मेडिकल कॉलेज में पीजी किया था। और एक और शॉकिंग बात यह है कि उसी कॉलेज में अशोक का फादर शिव कुमार भी पढ़ा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से शिव कुमार अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया, वो बिजनेस फील्ड में आ गया। तो यह सब कुछ ओजलर को उसी मेडिकल कॉलेज से पता चलती है। उसके बाद ओजलर उसी कॉलेज के एक बंदे को दारू पिलाकर इन दोनों के बारे में इंक्वायरी करने लगता है, शिवराज और शिव कुमार। इस बंदे से एक शॉकिंग बात पता चलती है कि 1989 में एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार में शिवराज, शिव कुमार, जेवियर और अलेक्जेंडर थे। ये चारों उसी कॉलेज में पीजी कर रहे थे। ओजलर सोचने लगता है कि फर्स्ट मर्डर और थर्ड मर्डर का उस कॉलेज से लिंकअप है, लेकिन सेकंड मर्डर का और इस कॉलेज का क्या रिलेशनशिप है। पता चलता है कि जो दूसरा बंदा मरा था ना, उसके फादर का नाम था राघवन, जो पियकर था। शॉकिंग बात यह है कि राघवन उसी कॉलेज में एज ए प्यून की तरह काम किया करता था। अब बचे दो आदमी, जेवियर और एलेक्स। एलेक्स फिलहाल दुबई में होता है, जिसने अभी तक शादी नहीं की। एलेक्स से वीडियो कॉल में बात करते हुए इंडिया वापस न आने के लिए कहता है। उसके बाद जेवियर को दिखाया जाता है, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हाई पोजीशन पर होता है। और एक्चुअली फिलहाल जेवियर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है, अपना चेकअप करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर जेवियर से कहने लगता है कि आपकी सर्जरी करनी होगी। इस तरह से जेवियर को एक अपॉइंटमेंट देता है। उसी वक्त ओजलर उसके टीम मेंबर्स जेवियर से जा मिलते हैं। अब जेवियर की एक बेटी होती है जो फॉरेन में पढ़ाई करती रहती है, सो किलर जेवियर की बेटी को नहीं मार सकता, लेकिन जेवियर को वार्न करने लगता है कि आपकी जान को खतरा है। लेकिन ये सुनने के बाद जेवियर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, फटाफट से किसी खोपचे में आकर अपने दोनों दोस्तों को कॉल करता है, शिवराज और शिव कुमार। वो दोनों सही सलामत होते हैं और उसी तरह एलेक्स के बारे में भी पूछने लगता है। कहने लगता है कि एलेक्स दुबई में है। उसके बाद ओजलर शिवराज के घर पर जाता है इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन शिवराज मिसिंग होता है, किसी ने इसको किडनैप कर लिया। उसी वक्त ओजलर को ये बात पता चलती है कि दुबई से एलेक्स वापस इंडिया आ गया। एलेक्स ओजलर से कहने लगता है कि दुबई में कोई मेरे घर को वॉच कर रहा था, इसलिए डर के मारे मैं इंडिया वापस आया। ओजलर अपनी टीम के साथ फटाफट से एलेक्स के घर पर जाता है उसकी सिक्योरिटी के लिए। जब एलेक्स से बात ही कर रहा होता है, तभी वो किलर कुछ आदमियों के साथ एलेक्स के घर पर आकर सारे पुलिस वालों को मारने पीटने लगते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्ती फाइट चलने लगती है। फाइट के दौरान किलर के आदमी एलेक्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लकीली ओजलर को एक बंदा मिल जाता है और उस बंदे का नाम है कृष्णदास। कृष्णदास से पूछताछ करने पर कृष्णदास अपना मुंह ही नहीं खोलता, कुछ भी जवाब ही नहीं देता, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
खैर दूसरे दिन ओजलर राघवन की बीवी को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। राघवन की बीवी कहने लगती है कि 5 महीने पहले एक डॉक्टर हमारे घर पर आया था, राघवन से किसी सुजा नाम की लड़की के बारे में पूछ रहा था। ओजलर सोचने लगता है कि यह सुजा कौन है। इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि सुजा के नाम पर एक हॉस्पिटल है, SM हॉस्पिटल, और वहाँ के डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अरुण ने ही राघवन के पास आकर सुजा के बारे में इंक्वायरी किया था। तो ओजलर डॉक्टर अरुण के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहता है तो एक और शॉकिंग बात पता चलती है। एक्चुअली जेवियर की जो सर्जरी होने वाली होती है उसकी सर्जरी को करने वाला डॉक्टर अरुण होता है। ओजलर सोच लेता है कि डॉक्टर अरुण जेवियर को मारने से पहले उसको पकड़ना होगा। तो ओजलर की टीम फटाफट से डॉक्टर अरुण के घर के पास जाते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर अरुण सर्जरी के लिए गया ही नहीं और इसी तरह कृष्णदास के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर अरुण साफ मना करने लगता है कि कृष्णदास कौन है मुझे नहीं पता। ओजलर पूछने लगता है तो फिर क्यों तुम राघवन के पास जाकर सुजा के बारे में पूछा। अरुण कहने लगता है कि सुजा मेरी बहन है, जब मैं छोटा बच्चा था उसी वक्त मेरी बहन की डेथ हो गई। मेरी बहन की मौत की वजह क्या है मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन एक दिन मेरी बहन की किताब में एक फोटो मिली जिसमें मेरी बहन किसी बंदे के साथ थी, शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। ओजलर उस फोटो के बारे में पूछने लगता है कि मुझे वो फोटो दिखाओ। तो डॉक्टर अरुण उस फोटो को दिखाने लगता है, उसमें लड़के का चेहरा घिसा होता है, मतलब ढंग से नजर नहीं आता। इस फोटो को डीपली देखने पर ओजलर ये देखता है कि इस फोटो के पीछे एक छोटा सा पौधा है, बोनसाई पौधा। यही पौधा एलेक्स के घर में देखा था इसने। उसके बाद ओजलर की टीम वाले ओजलर को एक जबरदस्त शॉकिंग न्यूज बताने लगते है कि एक्चुअली ओजलर ने जिस बंदे से मतलब एलेक्स से मिला था वो असली एलेक्स नहीं था। असली एलेक्स ने डुप्लीकेट एलेक्स को बनाकर पुलिस वालों के पास भेजा और शॉकिंग बात यह है कि असली एलेक्स ने जेवियर को किडनैप कर चुका होता है। उसको भी उसी मेडिकल कॉलेज में ले जाने लगता है और वो असली एलेक्स और कोई नहीं हमारे मम्मूट्टी भाई साहब होते हैं। जेवियर को मारने के लिए एलेक्स जेवियर को किडनैप करके कोलिकोड मेडिकल कॉलेज में लाता है। ये जानने के बाद ओजलर फटाफट से अपनी टीम के साथ उस मेडिकल कॉलेज पर दौड़ लगाता है। इस तरफ एलेक्स जेवियर को किसी रग के पास मार्किंग करता है कि यहाँ पर इसको काटना है। इस तरह से जब काटने ही वाला होता है तभी ओजलर अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच कर एलेक्स को गिरफ्तार कर लेता है। बाद में पुलिस वाले एलेक्स और कृष्णदास से पूछताछ करने लगते हैं। एलेक्स अपने फ्लैशबैक को बताने लगता है। इस तरह से सीन 1989 में शिफ्ट होता है। एक्चुअली उस वक्त शिवराज, शिवकुमार और जेवियर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। जब कॉलेज का फ्रेशर्स डे चल रहा होता है तो फ्रेशर्स स्टेज पर आकर अपना अपना नाम बोलते रहते हैं। इसी दरमियान में सुजा नाम की एक लड़की भी स्टेज पर आकर अपना नाम बोलती है। शिवराज सुजा को देखकर लाइक करने लगता है, स्टेज पर ही इसको फ्लावर देने लगता है, लेकिन सुजा शिवराज के फ्लावर को ठुकरा देती है जिसकी वजह से शिवराज को बहुत गुस्सा आता है और उसी तरह सारे कॉलेज के सामने शर्मिंदा भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णदास को दिखाया जाता है जो अपनी सुरीली आवाज से सारे लोगों को एंटरटेन करते रहता है, मतलब जहाँ पर भी फंक्शन चलता है कृष्णदास वहाँ पर जाकर गाने गाते रहता है। सच में ये गाना बहुत ही अच्छा है। खैर एक दिन इस कॉलेज को एक केस आता है, एक बंदा पेड़ से नीचे गिरकर बहुत जख्मी हुआ, बेचारा अब मरूं तब मरूं की हालत में होता है। तो जेवियर बिना ट्रीटमेंट किए प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहता है। उसी वक्त एलेक्स वहाँ पर आकर इस बंदे का ट्रीटमेंट करके इस बंदे की जान को बचा लेता है। जब ये बात बड़े डॉक्टर्स को पता चलती है तो वो डॉक्टर्स एलेक्स को बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं कि तुमने प्रोटोकॉल्स को बिना फॉलो किए पहले इस बंदे की जान बचाई। अब इसी दरमियान में एलेक्स सुजा को देखकर इसे प्यार करने लगता है। धीरे धीरे सुजा भी एलेक्स से प्यार करने लगती है। इन दोनों की लव जर्नी अच्छे से चलने लगती है। कॉलेज में जो कोई भी बड़ा केस आता डॉक्टर्स एलेक्स को ही वो केस सौंपते, जेवियर को छोटे मोटे केस सौंपते रहते हैं। खैर एक दिन एलेक्स ये देखता है कि शिवकुमार कॉलेज में ही ड्रग्स का सेवन कर रहा है। ये बात अपने हायर डॉक्टर्स को बताने पर मैनेजमेंट शिवकुमार को कॉलेज से निकाल देती है, इसीलिए शिवकुमार बिजनेस साइड पर चला गया। खैर इसके बाद सुजा को स्टडी हॉलिडेज देने पर सुजा अपने गांव चली जाती है। एलेक्स और सुजा ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने लगते हैं। एक दिन कृष्णदास अपनी माँ के साथ इस हॉस्पिटल पर आता है क्योंकि इसके गले में कुछ प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर कृष्णदास को गले को चेक करके बताने लगता है कि इसके गले में इन्फेक्शन हुआ है, एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिकर करने की कोई बात नहीं। सो वो बड़ा डॉक्टर सर्जरी के लिए एलेक्स और जेवियर को एज ए हेल्पर की तरह ऑपरेशन रूम में आने के लिए कहता है। तो वो बड़ा डॉक्टर कृष्णदास का ऑपरेशन करके दूसरे केस को अटेंड करने के लिए चाहता है।
जाते जाते एलेक्स को सौंप देता है कि तुम स्ट्रेचेस कर दो और हाँ थोड़ा ध्यान से। तो एलेक्स जेवियर को मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जेवियर जानबूझ के कृष्णदास के गले का रक्त काट देता है, जिसके वजह से कृष्णदास की आवाज चली जाती है। उस वक्त बेचारा कृष्णदास बहुत दुखी होने लगता है कि ये लाइफ में कभी गा नहीं सकता। बड़ा डॉक्टर इसके बारे में जानने के बाद जेवियर को 6 महीनों के लिए, एलेक्स को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है। उसके बाद ये तीनों दोस्त एलेक्स पर रिवेंज लेने का ठान लेते हैं, क्योंकि एलेक्स की वजह से इन तीनों को प्रॉब्लम हुई। एलेक्स जब कभी भी सुजा से मुलाकात करता है तो उस कॉलेज के प्यून को थोड़े पैसे देता है, और उस कॉलेज का प्यून का नाम था राघवन। तो वो तीनों दोस्त राघवन को पैसे देकर एलेक्स को उस डिसीजन रूम में लाने के लिए कहते हैं। एलेक्स यही सोचने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, सुजा शायद मुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर बुलाया। इस तरह से बहुत खुश होकर डिसीजन हॉल में जाता है। तो वो तीनों दोस्त एलेक्स को जख्मी कर इसकी सारी बॉडी पर क्लोरोफॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ये तीनों एलेक्स को अपनी गाड़ी में ले जाकर जानबूझकर गाड़ी को किसी पेड़ से ठोक देते हैं। ऐसा लगे कि एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ, और इस एक्सीडेंट की वजह से एलेक्स कोमा में चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर जेवियर और शिवराज बड़े डॉक्टर्स के पास आकर ये बात बताने लगते हैं कि कृष्णदास के रक्त काटने के लिए एलेक्स ने ही कहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो वो लोग बिना इंक्वायरी किए एलेक्स को परमानेंटली सस्पेंड कर देते हैं कॉलेज से। अब बेचारा एलेक्स तो कोमा में होता है, बाहर क्या हो रहा होता है उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता। एलेक्स की हालत को देखकर बेचारी सुजा बहुत दुखी होने लगती है। तो देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सुजा बहुत दुखी होकर बस के नीचे आकर आत्महत्या कर लेती है, यही सोचकर कि एलेक्स कभी उठ नहीं पाएगा। लेकिन जब सुजा की मौत होती है उसी वक्त एलेक्स अपनी आँखें खोलता है, लेकिन सर पे जबरदस्त चोट आने की वजह से एलेक्स अपना पास्ट भूल चुका होता है। बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ गुजारने लगता है। इसके कुछ सालों बाद एलेक्स की माँ भी उस दुनिया से चली जाती है। एलेक्स बेचारा अकेला हो जाता है। जस्ट 3 साल पहले एलेक्स किसी टीवी इंटरव्यू में कृष्णदास का इंटरव्यू देखकर एलेक्स को अपना पास्ट याद आ जाता है कि उन तीनों ने एलेक्स और कृष्णदास के साथ क्या किया। उसके बाद एलेक्स कृष्णदास से मुलाकात करके असली सच्चाई बताने लगता है कि उन तीनों ने तुम्हारी और मेरी ऐसी हालत की, चलो हम उन तीनों से बदला लेंगे, उन तीनों को मार देंगे। इस तरह से ये दोनों पक्का प्लानिंग करते हैं। सोच लेते हैं कि उन तीनों को डायरेक्टली नहीं मारेंगे, पहले हम उनके बच्चों को मारेंगे, क्योंकि उन लोगों की वजह से हमने अपनों को खोया। तो एलेक्स की बातें सुनने के बाद सारे पुलिस वाले भी बहुत इमोशनल होने लगते हैं। उसके बाद एलेक्स ओजलर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे जेवियर से मिलना है। तो पुलिस वाले उसी तरह से जेवियर को एलेक्स के सामने लाते हैं। जेवियर साफ मना करने लगता है कि मैंने ऐसा कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो बहुत ही शरीफ बंदा हूँ। लेकिन ओजलर को एलेक्स की बातों पर पूरा यकीन होता है। बहुत अफसोस भी करने लगता है कि 2 मासूम लोग जेल जा रहे हैं, और जेवियर जैसे कातिल अच्छे पोजीशन पर रहकर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। खैर रिसेंटली जेवियर ने अपनी लाइफ पर एक किताब लिखा होता है, उस किताब को लॉन्च करने वाला होता है। उस सेरेमनी में ओजलर वहाँ पर जाता है। उसी वक्त वो पोस्टमार्टम डॉक्टर ओजलर को कॉल करके एक शॉकिंग बात पता चलता है कि एलेक्स ने हर एक बंदे की बॉडी पर एक मार्क डाला होता है कि यहाँ पर कट करना है। एक्चुअली वो मार्क कोई मामूली मार्क नहीं है, उसमें एक केमिकल लगा होता है। अगर वो बंदे बच भी गए तो 7 दिनों के बाद वो बंदे मर जाएंगे, ऐसा मार्किंग केमिकल होता है वो। उसी वक्त जेवियर स्पीच बोलते हुए इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और ये मर जाता है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि एलेक्स जेल जाने से पहले बाकी लोगों को भी मार देता है, जैसे वो प्यून राघवन, शिवराज, शिवकुमार। खैर 1 महीने के बाद ओजलर विनीत के लिए दोबारा बिरयानी लेकर जाता है। तो जेल में इसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। एलेक्स कहने लगता है कि मेरे लिए जेवियर की बेटी को मारना बहुत ही आसान था, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम इस केस को टेकअप करो, और मैंने तुमको आधी कहानी ही बताई। और इसी तरह जाते जाते बॉर्न रेसिड्यू कहकर जाता है। ओजलर विनीत के पास आकर दोबारा वही सवाल पूछने लगता है कि मेरी बीवी बेटी की लाश को कहां पर दफनाया। विनीत सेम जवाब देता है, मैं भूल गया। तभी ओजलर को एलेक्स की बातें याद आती है, समझ जाता है कि विनीत ने ओजलर की बीवी बेटी को नहीं मारा, मतलब चाकू पर ब्लड सैंपल्स तो पाए गए ओजलर की बीवी बेटी के, लेकिन उनके रिलेटेड बोन रेसिड्यू नहीं मिलते। यही बात विनीत को बताकर पूछने लगता है कि बताओ मेरी बीवी बेटी को किसने मारा। विनीत मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अभी तुम उसे देखकर मेरे पास आए हो, मतलब ओजलर की बीवी और बेटी को मारने वाला भी एलेक्स ही था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब क्लाइमैक्स के बारे में बात करें, अब 1989 में कार एक्सीडेंट हुआ था शिवराज, शिवकुमार, जेवियर, एलेक्स का।
तो उस एक्सीडेंट में एलेक्स कोमा में चला गया, तो उस वक्त जरूर पुलिस केस हुआ होगा। तो शायद उस केस को टेकअप करने वाला ओजलर था। शायद ओजलर ने पैसों की लालच में उस केस को दबा दिया, क्योंकि शिवराज और शिवकुमार ऑलरेडी रिच लड़के थे। उन तीनों के लिए केस को गुमराह करना बहुत ही आसान का काम था। तो शायद एलेक्स ओजलर से बदला लेने के लिए इसकी बीवी और बेटी को मार दिया होगा। मतलब इस मूवी में मेन विलन ओजलर ही होता है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।